पर पदभार ग्रहण करने वाले हैं। सीधी तस्वीर जयपुर एयरपोर्ट। I'm
एक्सक्लूसिव तस्वीरें मदन राठौड़ की, सीधी जन टीवी आपको दिखा रहा है। जन टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मदन राठौड़ की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट से सीधी लाइव तस्वीरें जन टीवी आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहा है, जहाँ पर मौजूद हैं मदन राठौड़, उनके साथ कई दिग्गज नेता, भाजपा के कई दिग्गज नेता, मंत्री सभी मौजूद हैं और सभी इस कार्यक्रम में, समारोह में हिस्सा लेने, यहाँ पर इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए बहुत दूर दूर से आए हैं। मदन राठौड़ भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष, जो आज पदभार ग्रहण करेंगे। हालांकि जयपुर से ये सीधी तस्वीरें, जयपुर एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें जन टीवी सभी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। मदन राठौड़ पहुंच चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट, और जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत सत्कार किया है। इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा जब पहुंचे तो उन्हें भी पटका पहनाकर, भाजपा का पटका पहनाकर उनका भी स्वागत सत्कार किया गया है। इसके बाद मदन राठौड़, जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर आज पदभार ग्रहण करने वाले हैं, उनको लेकर तमाम लोग काफी उत्साहित हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जन टीवी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सभी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट से सीधी लाइव तस्वीरें सभी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा मजमा मौजूद है, काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। यहाँ पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ आज पदभार ग्रहण करेंगे और भाजपा की तरफ से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर होगा पदभार ग्रहण समारोह। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली अधिक जानकारी के साथ, सीधी तस्वीरों के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आज भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पदभार ग्रहण करने वाले हैं। और देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं जयपुर एयरपोर्ट पर जो बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हैं, वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया है। और अब आप देख सकते हैं जो अब रैली के रूप में वो बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब जो विजुअल्स हैं वो साफ देखे जा सकते हैं। आगे जो युवा मोर्चा कार्यकर्ता है वो उनका स्वागत कर रहे हैं, और सामने जो आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो अगुवाई कर रहे हैं, और पूरा जो बीजेपी संगठन की तरफ से उनका स्वागत किया गया था। और फिलहाल मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम समेत सरकार के जो मंत्री हैं और इसके अलावा जो अन्य पदाधिकारी हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया था। योगेंद्र, आज बीजेपी कार्यालय की तरफ उनका जो रुख है वो हो चुका है। यहाँ से रवानगी लेने के साथ ही अब वो बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हो गए हैं। और आप इसे देख सकते हैं, आपको विजुअल ये देखिए, मदन राठौड़ हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ ये जो गाड़ी गुजर रही है यहाँ से, इसी में बीजेपी के जो नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, वो इसी गाड़ी में मौजूद है। देखिए, ये जो पूरा काफिला है वो आपको साफ नजर आ रहा होगा, और जो कार्यकर्ताओं की जो स्वागत की भीड़ है वो भी साफ आप देख सकते हैं। ये देखिए, कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर, और कार्यकर्ताओं की जो साफ जो भीड़ है वो उनका स्वागत कर रही है। कोई साफा पहना रहा है तो कोई उनका यहाँ खुलकर स्वागत कर रहा है। देखिए, आप विजुअल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नजारा है जयपुर एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय की तरफ। जो उनका टारगेट है वो गुजर चुका है, कई मंत्री सांसद भी उनके साथ हैं। योगेंद्र, काफिला तो काफी जोरदार देखने को मिल रहा है, काफी बड़ा काफिला देखने को मिल रहा है योगेंद्र, लेकिन अभी जो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है वो भी किसी से छुपा नहीं है। जी जी, कहां तक पहुंचा हो यार, हम तो रह गए पीछे ही।
तो मदन राठौड़ का स्वागत किया है सीएम भजन लाल शर्मा ने। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ आज पदभार ग्रहण करने वाले हैं। तमाम लोग यहां पर मौजूद थे और तस्वीरें हमने आपको दिखाई जयपुर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें जन टीवी ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई, जहां पर जयपुर एयरपोर्ट पर जब सीएम भजन लाल शर्मा मौजूद थे और उनके साथ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद थे, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब सीएम भजन लाल शर्मा ने गुलदस्ता लेकर मदन राठौड़ का स्वागत सत्कार किया। इस दौरान काफ़ी खुशी मदन राठौड़ के चेहरे पर भी दिखाई दी और ये काफ़ी बेहतरीन क्षण भाजपा के लिए माने जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है और काफ़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे जयपुर एयरपोर्ट पर। अब सीधा काफिला निकल चुका है जयपुर एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय के लिए और वहां पर भाजपा कार्यालय में समारोह आयोजित किया जाएगा, जहाँ पर भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ अपना पदभार ग्रहण करेंगे। भाजपा की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, कई तरीके के कार्यक्रम आज भाजपा की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं। सीएम भजन लाल शर्मा तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये काफी समय पहले की तस्वीरें हैं जब जयपुर एयरपोर्ट पर मदन राठौड़ पहुंचे थे। उस दौरान उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत सत्कार करने के लिए सीएम भजन लाल शर्मा सहित तमाम नेता मंत्री विधायक यहां पर मौजूद थे और सभी ने मदन राठौड़ का स्वागत सत्कार किया है। बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट से काफिला निकल चुका है भाजपा कार्यालय की तरफ और अब भाजपा कार्यालय में मदन राठौड़ का भव्य स्वागत वहां भी किया जाएगा। पदभार ग्रहण करेंगे मदन राठौड़। तो सीएम भजन लाल शर्मा मौजूद हैं मदन राठौड़ के साथ, उनका स्वागत सत्कार करते हुए। हालांकि जयपुर एयरपोर्ट से काफिला निकल चुका है भाजपा कार्यालय की तरफ, हमने वो भी तस्वीरें आपको दिखाई। और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का काफिला जयपुर एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय की तरफ पहुंच चुका है। वहां पर तरह तरह की होर्डिंग्स लगाई गई हैं, भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से रैली भी निकाली गई है और तमाम कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता भाजपा के काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। एक बड़ा मजमा, एक बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है भाजपा की, जहाँ पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण समारोह के कार्यक्रम के तहत यहां पर सभी भाजपा के लोग मौजूद हैं। मंच सज चुका है और कई तरीके की कई जगह पर होर्डिंग्स भी लगाई गई हैं, जहां पर सभी ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का स्वागत सत्कार किया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जयपुर से विवेक शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, जयपुर एयरपोर्ट से काफिला भाजपा कार्यालय की तरफ निकल चुका है, होर्डिंग्स लगा दी गई हैं और अभी भाजपा कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है जयपुर में? बिल्कुल, देखिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कुछ देर में भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और यहाँ पर पदभार ग्रहण समारोह में पदभार ग्रहण करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तमाम भाजपा के आला नेता जो है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ा एक भव्य समारोह जो है वो भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के कोने कोने से तमाम भाजपा के तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कार्यकर्ता जो है प्रदेश के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। भाजपा विधायक और मंत्री जो है उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। संतों महंतों की मौजूदगी में यहाँ पर जो है अपना पदभार ग्रहण करेंगे। उनके परिजन जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ऐसा बड़ा कार्यक्रम जो है कुछ देर बाद मुख्यमंत्री